अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग। हाँ जी, मैं न्यू ब्लॉगर हूँ जो कि आपको बार्सिलोना के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करूँगी। आज हम लोग आए हुए हैं पलाउ रयाल। वैसे तो हम इस पर रेरा जा रहे हैं, हम लोग आए हैं पलाउ रयाल क्योंकि हमने इधर से बस पकड़नी है। तो जैसे जैसे जो जो करते जाएंगे हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे जी। तो अब हम बैठ गए हैं बस में, अब हम जा रहे हैं इस पर रेरा की तरफ से। ये देखिए कशी जो कि दूर से बाय बाय कर रही है। कशी आज बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आई है, कह रही थी आप ही ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो चले मैं प्यारा सा ड्रेस पहन के जाती हूँ। वैसे इधर जब बसेस में बैठते हैं ना, व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देखें ये है इब्राहिम। हेलो इब्राहिम, इधर देखें इब्राहिम। उई इब्राहिम शर्मा रहा है। किधर जा रहे इब्राहिम, एरोप्लेन में? अल्लाह, हम एरोप्लेन में तो नहीं जा रहे। हाँ जी, अब हम पहुंच गए हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं। आते ही सबसे पहले एक प्लाजा है, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। बस से सिर्फ 10 सेकंड की वॉक पर आ जाता है केबाब रिको वन पीस एरिया। ये हमने न्यू ओपनिंग की है हलाल के बाबिश की, जिसमें डोनर पिज़्ज़ा इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यानी कि पहले भी एक जगह रह चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा, और फिर तक भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए इधर गांव वाली साइड्स पर कासास होते हैं, कासास कहते हैं जो सिंगल घर होते हैं उनको। हर एक की अपनी अलग अलग पार्किंग भी होती है, तो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये वाला एक सिंगल गली की तरह गली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाउसेस बने हुए हैं, और एक साइड पर ये सब्जा, और ये साइड पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, और ये है इस पर रेगेरा में। इधर गांव वाली साइड्स पूरी सुकून होती हैं, लेकिन रौनक जो कहते हैं ना वो नहीं होती है। जो लोग पुरसकून रहना चाहते हैं, सुकून से चाहते हैं, वो इधर आके रह सकते हैं। और एक गाँवों में इधर किराया भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है शहरों के मुनासिब। आप घर के डोर्स देखिए ज़रा, बस ये देखिए, वो सामने वाला देखिए, ज़बरदस्त जी। ये वाले देखिए, ये बिल्कुल सेम है, तकरीबन इधर 7 से 8 घर होंगे, सारे सेम के सेम। और इनकी जो गैराज होता है ना इनका, वो नीचे वाली साइड पे होता है बेसमेंट में। ये देखिए समीर अली की तरफ, उफ। हाँ, ये मेरा भाई, छोटा भाई समीर अली। हम जब फैमिली के साथ होते हैं, हम ऐसे घर होते हैं ना, हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि अगर तो ये होते पाकिस्तान तो चोर ही होने। ये देखे क्या है, हाँ जी। और ये देखिए इधर लोगों ने अपने घरों में फल सब्जियां वगैरह लगाई, तो ये देखिए इधर माल्टे लगे हुए हैं ऊपर ये वाले, और उसके अलावा फिर बाद में वो टमाटर नजर आ रही, टमाटर के भी पौधे वगैरह लगाए होते हैं। काफी खूबसूरत एरिया ये वाला भी, मतलब पिकनिक के लिए इंसान आ सकता है, मज़ा आता है। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं वापस, वो रहा हमारा बस स्टॉप। बहुत मज़ा आया आज का दिन, बहुत इंजॉय किया, फैमिलीज थी माशाल्लाह हम तीन, आपस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बाय बाय इस पर रह। फाइनली पूरा दिन करने के बाद हम घर आ गए हैं।